ये मोतियों का ब्रेसलेट तुम्हारे हाथों से ज्यादा अब हमारी लाइफ को संवारने वाला है। विवान! विवान! सुबह के 4 बजने वाले इंस्पेक्टर ब्रार, किसी भी तरह ढूंढिए, मुझे नहीं पता, आपको ढूंढना ही पड़ेगा एज सून एज पॉसिबल। जी ओके। वो माया क्या कह रही थी? तोहफा शोहफा प्यार का, प्यार छोड़ो, थोड़ी केयर शेयरिंग कर दो, इस हालत में ना बहुत जरूरत है। तुम्हें तुम्हें समझ नहीं आता, तुम चाहती क्या हो? तुमने माया के सामने नाटक किया, मैं चुप रहा, अपने पूरे परिवार के सामने नाटक किया, तब भी मैंने कुछ नहीं बोला, और डॉक्टर डॉक्टर तक खेल लिया मैंने तुम्हारे साथ, पर मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चुप रहा। पर अब बोलोगे? हाँ बोलूंगा, यू आर डैम राइट, अब बोलूंगा। तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो? वीर जी, लाली की कर दिए? वीर जी आप भी ना, ये लो दवाई। यही थी ना? हाँ जी यही थी, और कौन सी थी? यहाँ पे कौन सी 100 दवाइयाँ गिरी हुई हैं? ओ डोली, वीर जी 100 दवाइयाँ तो नहीं गिरी हुई, लेकिन हाँ 2 दवाइयाँ जरूर गिरी हुई थी, जब आपस में अदल बदल गई है। ओ डोली। हाँ जी, आप दवाई ले आए? वो ले कब से ढूंढ रहा हूँ भाई। हाँ बताओ। ये ले। यही है ना? वो हाँ, दे दे मीरा को। कब से ढूंढ रही हो तुम्हें? अजी आपके ना मैदान में जमे रहने की तैयारी कर रही थी। खाक तैयारी, एक मीरा कम थी जो अब दूसरी आने वाली है। मुझे तो लगता है मुझे मुझे अभी से ही हार मान लेनी चाहिए। ना जी ना, एक मीरा तो है, लेकिन दूसरी मीरा मैं नहीं आने दूंगी। पता नहीं बीच में बच्चा है या नहीं, पर उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है मेरा। तो ये पापा पापा बोल के मुझे इरिटेट करना बंद करो, इट जस्ट डजंट फील राइट। हले बोलो, अगर उसने सुन लिया तो तुमसे नफरत करने लगेगा और फिर इस दुनिया में एक और विवान कपूर आ जाएगा। तुम पागल हो? कभी कोई लॉजिक इस्तेमाल करती हो? कोई सेंस है तुम्हारी बातों का? क्या बोलती हो, क्या सोचती हो, कुछ नहीं पता। एक सेकंड अपने मुंह पे फिल्टर लगाना सीखो, थोड़ी बातें ना सोच समझ के आएंगी बाहर। फिल्टर तो किचन में लगाना चाहिए, मुंह पे लगाने से क्या जर्म्स कम हो जाएंगे? क्या करूं मैं? मैं भी क्या करूं? तुम शेरी से डरी थी? नहीं डरी थी ना, तो एक छोटी सी मधुमक्खी से क्यों डर रही? शेरी से डर नहीं लगता शायद, मधुमक्खी से लगता है। तुम्हें पता भी कितना दर्द होता है। मीरा मीरा बाहर आओ, चलो बाहर आओ। तुम क्या कर रही? तुम्हें डर नहीं लगता क्या? हीरो क्या बन रहे हो? कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा भी है? ऐसा लगता है कोई महाप्रलय आ गया हो। तुमने अपने आप को देखा? तुमसे बात करके, तुम्हारे आसपास रहके भी ऐसा ही लगता है जैसे मधुमक्खी के छत्ते के पास लगता हो। ठीक है तो फिर बाहर जाओ, बाहर निकलो यहाँ से। यहाँ क्यों खड़े हो? मेरे को मीरा क्या कर रही हो? मीरा आंखें बंद करके कुछ नहीं होता मीरा, क्या रजाई के अंदर घुस के भी हम वही कर रहे हैं? क्यों? ठीक है तो जाओ आंखें खोलो, भगाओ। बताओ तुम्हारे इस झूठ का क्या करना है? मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ना तुम्हें कुछ पता है और ना किसी की सुननी है। तुम ये घुमा फिरा के क्या बोलने की कोशिश कर रही हो? साफ साफ बोलो,
किया ही कि ना तुम्हें कुछ पता है और ना मुझे कुछ पता है, और जब तक किसी को कुछ पता नहीं चलता तब तक हमें इसका ख्याल रखना चाहिए ना। देखो, और अगर बाद में तुम्हें कोई इशू आना तो हम टेस्ट करा लेंगे। पहले तो सिर्फ मम्मियों के बारे में पता चलता था, पर आजकल पापा के बारे में जानने के लिए भी टेस्ट होते हैं। और सोचो, अगर टेस्ट पॉजिटिव निकला, पता चला कि ये तुम्हारा ही है, तो तुम्हें कितना बुरा लगेगा। नहीं, बट ऐसा हो ही नहीं सकता। जी, आपको लगता है अभी जाना ठीक होगा? कितनी देर हो चुकी है, सो गए होंगे दोनों। पर पुत्र, दवाई खा के सोएगी तो सुबह तक ठीक हो जाएगी ना। एक बार जाके देखने में क्या हर्ज है? हैं? हाँ। जा, जागती हुई तो दे देना दवाई। ठीक है, मैं देखती हूँ। हाँ। बताओ क्या करना है? बहुत थकान हो गई है, टेंशन की वजह से ना बहुत सर दर्द हो रहा है, पूरी रात सोई भी नहीं और इतनी वीकनेस हो रही है ना, मैं क्या बताऊं। अच्छा, काम करो ना, ये एसी थोड़ा धीरे कर दो। अभी भी ठंड लग रही है, थोड़ा कंबल ढंग से उड़ा दो। अच्छे से पापा, मुन्नू की मम्मी का सर बहुत दर्द हो रहा है, तुम थोड़ा सर दबा दो। ये जो तुम्हारी फालतू की डिमांड्स है ना। हाँ, ये तकिया भी लगा दो। लगा दो, इतनी देर ऊपर रहूंगी। अच्छे से कुछ कर लिया करो। ये जो तुम्हारी फालतू की डिमांड्स। चिल्लाओ मत, कोई और नाम रख लेंगे, तुम्हारी मर्जी का, ठीक है? वो जान वान जो रखना रख लेना, ठीक है? अरे रब्बा, ये सर दर्द कब पीछा छोड़ेगा? मैंने भी तो तुम्हारी तेल मालिश की थी, भूल गए? तुम भी कर दो ना। कोई काम तुम्हें अच्छे से आता हो ना हो, पर ये अच्छे से आता है। हाय रब्बा, अब कितना मर्जी सरदर्द दे दे, इलाज मुझे मिल गया। ये लड़का तो दिन भर दिन बर्बाद ही होता जा रहा है, इतनी सेवा। अब ये सेवा छोड़, क्योंकि बड़ी जल्दी हमें हमारा मेवा मिलने वाला है। मीरा, ओह सॉरी जी, मैं तो बस दवाई लेकर आई थी। सॉरी की क्या बात है मम्मी, आपका दिमाग तो बस अपना फर्ज निभा रहा था, और वो वादा जो इसने अपनी बहन से किया था। चंगा है, चंगा है, जब आपकी सेवा शेवा हो जाए ना तो ये दवाई भी खिला देना, सुबह तक ठीक हो जाएगी। मैं चलती हूँ, चल पिता।
तीर धनुष पे आ चुका है। ये लो। राजकुमारी के लिए आज क्या लेके आए हो खादिम? थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा? पकड़ो। अब हुई प्रेगनेंसी की कहानी खत्म। बच्चे के वास्ते पानी अपने हाथों से पिला दो। और ये निकला तीर। अभी मीरा का दिल घबराने वाला है। अब मीरा भाग के वॉशरूम जाएगी। क्या हुआ? अपना जी जोर से चिल्लाने की आवाज आएगी। अब आप आएगी। अब तो आने ही वाली है। ये कपड़े धोए थे, सुखाने ही भूल गई। मेरा बिना दिमाग पता नहीं कहाँ है। तुम्हारा तीर निकला तो सही, बट एज ऑलवेज निशाने पे नहीं लगा। ओ जी, मुझे तो खुद ही कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये कैसे हो गया? लेकिन मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। ये जगह, यहाँ के लोग, तुम बकवास हो, तुम्हारे प्लान्स सबसे ज्यादा बकवास है। लेकिन गलती मेरी ही है, गलती मेरी है कि एक बार फिर मैंने तुम पे ट्रस्ट किया। नॉट योर फॉल्ट लाली, माई फॉल्ट। नो प्रॉब्लम मीरा डार्लिंग, जितना आराम करना है ना तुम कर लो, क्योंकि अब तुम्हारे आराम को हराम करूंगी मैं। एंड दैट माई डार्लिंग is my promise to you. अब एक काम करो, सो जा। वैसे भी आधी रात तो निकल चुकी है और मेरा काफी टाइम वेस्ट कर चुका था। So sleep. तुम भी बेड पे ही सो जाओ ना। No thanks. तुम ऑलरेडी बहुत कंट्रोवर्सी कर चुकी हो, इसलिए मैं सोफे पे ही सो जाता। कौन सा वर्सी? कंट्रोवर्सी। तुम्हारी लैंग्वेज में वो क्या कहती हो तुम? कांड। कांड जो तुमने किया। अपने पहले बच्चे को ऐसे तो मत बोलो, ये तो रब का तोहफा है। पहला पहला, प्यारा प्यारा। मेरे तो ऑलरेडी 15 हो चुके हैं ना लंदन में। हाँ सच्ची। काम करना, उन 15 के 15 को ना इंडिया में ले आना, फिर सारे भाई बहन रल मिल के ना किकली खेलेंगे। वैसे सच, हम दोनों को ही नहीं पता चला ना कुछ भी। और कितनी अजीब बात है ना, मैं गहरी नींद में कबड्डी खेलती हूँ और तुम गहरी नींद में। क्या क्या गहरी नींद में? गहरी नींद में लोग कबड्डी नहीं खेलते, गहरी नींद में नॉर्मल लोग तो सोते ही हैं। और तुम ये जो हिंदी फिल्में देखती हो ना, इन्हें देखना बंद कर दो, ये फिल्में तुम्हारा दिमाग खराब कर रही हैं। अरे तुम तो अभी पापा बने भी नहीं और पापा जैसी बातें कर रहे हो। ये हिंदी फिल्मों ने बिगाड़ दिया है। कुछ भी यार, चलो वैसे अब ये सब बोलने का क्या फायदा, जो होना था वो तो हो ही गया। अब सोफे पे सो के क्या करोगे? यही सो जाओ। मम्मी को बुरा लगेगा ना अगर उसके मम्मी पापा दूर दूर सोएंगे तो। चुप।
एक काम करो, तुम थोड़ी देर के लिए सोचो प्लीज। अगर तुमने और बातें करी ना, मेरे कानों से खून निकल जाएगा या मैं पागल हो जाऊंगा। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। बोलो। मेरा ना अंबी खाने का बहुत मन कर रहा है। ये अंबी क्या है? अंबी, छोटे छोटे आम, कच्चे कच्चे आम, खट्टे खट्टे आम। तुमने टाइम देखा है? इतनी लेट रात को तुम्हें छोटे छोटे कच्चे कच्चे आम खाने का मन कर रहा है, क्यों? 15 बच्चों के पापा, इतना नहीं पता क्यों मन कर रहा है। ठीक है, मैं लेके आती हूँ, फिर थोड़ी देर और बातें करेंगे। नहीं नहीं नहीं, 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 तुम लेटो लेटो, मैं लेकर आता हूँ तुम्हारी ये अंबिया, तुम लेटे रहो, उठना मत। अच्छा सुनो, उसमें ना काला नमक भी डाल देना, ऊपर पड़ा होगा, काला चिट्टा नहीं। तुम बार बार क्यों मेरे सर पे आ जाती हो? तुम इसे तो जी, मैं तो खुद समझने की कोशिश कर रही हूं ना, पता नहीं क्या हो रहा है ये सब। हाय जी, क्या दौरा पड़ा आपको? ये मोतियों का ब्रेसलेट तुम्हारे हाथों से ज्यादा अब हमारी लाइफ को संवारने वाला है। सॉरी मीरा डार्लिंग, एंड ऑल द बेस्ट। शहरी तो नहीं? इसने बड़ा गंद मचा के रखा है। इस शेरनी को ना मैं चूया बनाती हूँ अभी। इसकी खैर लेती हूँ। आंटी मैं हूँ। आंटी रुकिए। मैं विवान 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 विवान। मुझे लगा ना वो शहरी है, हम लोग शहरी को ढूंढ रहे थे ना इसके लिए। वैसे आप इतनी रात को ये रसोई में क्या कर रहे हो? वो मुन्नो। मुन्नो? मुन्नो नहीं, मीरा। क्या हुआ मीरा को? मीरा को क्या होगा आंटी, वो मीरा को वो क्या होते छोटे आम, कच्चा आम, कैरी, अंबी, अंबी, अंबियां खानी है उसको, तो तो वो लेने आया था। अंबी खानी है? अच्छा अच्छा, इसलिए आए थे आप। वैसे वैसे आप मीरा का इतना ख्याल रख रहे हो इस वक्त, देखना बच्चा बड़ा होएगा ना तो आपसे बड़ा प्यार करेगा। वैसे ये मुन्नू क्या नाम है? अगर कुड़ी पैदा हुई तो फिर क्या नाम रखोगे, सोचा आपने? नहीं आंटी जी, अभी तक तो सोचा नहीं, पर इस बार मैं सोचूंगा। अभी अंबिया। हाँ हाँ, मैं अभी दे देती हूँ। अभी देती हूँ। वैसे पुत्र जी, अगर आपको भूख लगी है ना तो मैं आपके लिए छुआरे वाला दूध बना के दे सकती हूँ। नहीं, मैं भी ये अंबिया खा लूंगा ना। अंबिया? प्लान क्या है? विवान! विवान! सिस्को,
तेरेगी। यहीं से कहीं से आवाज आई थी। यहाँ से? मुझे लगता है वहां से आई थी।